अस्सलाम वालेकुम। माय इंग्लिश बुक टू, स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट टू, 2.8, एक्टिविटी टाइम, ऑन पेज नंबर 28। पॉइंट बी, टेल द नेम्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस शेप्स इन योर सराउंडिंग। अपने अतराफ की चीजों में सीखे हुए शक्लों की जैसी शक्लें तलाश कीजिए और उनके नाम कहिए। प्यारे बच्चों, हमने इसके पहले स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, ओवल, इस तरह के शेप्स सीखे हैं। तो अब ये शेप्स हमारे सराउंडिंग में, हमारे अतराफ में कौन कौन सी चीजों में हमें इनकी शक्लें नजर आती है वो हमें देखना है। प्यारे बच्चों, मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूं, उनका बगौर मुशाहिदा कीजिए। इन शक्लों का बगौर मुशाहिदा कीजिए कि ये शक्लें हमारे किस शेप्स की तरह नजर आ रही है या शक्लों का शेप क्या है। देखो बच्चों, ये सारी शक्लें स्क्वायर की तरह है। किस तरह है? स्क्वायर की तरह। तो ये सारे शेप्स कैसे है? स्क्वायर, स्क्वायर। अब इन चीजों का मुशाहिदा कीजिए कि ये चीजें किस शेप्स की है, किन शक्लों की है। बच्चों, ये तमाम शक्लें ट्रायंगल की तरह है। कैसे है? ट्रायंगल की तरह। तो ये सारे शेप्स कैसे हो गए? ट्रायंगल, ट्रायंगल। अब इन तस्वीर पर गौर कीजिए बच्चों, किन चीजों की शक्लें किस तरह है। देखो बच्चों, ये सारी चीजें रेक्टेंगल शेप की तरह है। किस तरह है? रेक्टेंगल शेप की तरह है। तो ये सब कैसी शेप्स है? रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। अब इन शक्लों पर गौर कीजिए बच्चों, ये सारी शक्लें जो है बच्चों, ये सर्कल की तरह है। किस तरह है? सर्कल की तरह। तो ये सारे शेप्स कैसे हुए? सर्कल, सर्कल। इन शक्लों पर गौर कीजिए बच्चों, ये सारे शेप्स है ओवल की तरह। किस तरह है बच्चों? ओवल की तरह। तो ये सारे शेप्स कौन से हुए? ओवल, ओवल। इन तस्वीर को देखिए बच्चों, इन तस्वीर में जो शेप्स नजर आ रहा है, जो शक्लें नजर आ रही हैं, वो है सेमी सर्कल की तरह, है ना। ये पूरा सर्कल नहीं है बल्कि आधा सर्कल है, सेमी सर्कल है। तो ये सारे शेप्स कैसे हुए? सेमी सर्कल। कैसे हुए? सेमी सर्कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।